बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र और आप लोगों की दुआएं, मैं भी ठीक ठाक हूँ। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। तो जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुली वॉच किया करें। आप लोगों की सपोर्ट ही मिली है और मैं आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सुखी रहें, आपके घर में से परेशानियाँ ख़त्म हों। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है और टी टाइम की रेसिपी है, तो इसे देखते हैं और बनाते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ पर मेरे पास एक खाली बर्तन है, यहाँ पर है बटर और कुछ ये मेल्टेड है और कुछ सॉलिड है। तो ये डाल लेते हैं इसमें 3 चम्मच जी। तो इसको साइड पर कर देते हैं। उसके अलावा ये मेरे पास है पाउडर शुगर, 3 चम्मच ये डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं, इस तरह कोई चम्मच ले लें। चाय के साथ ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है, आप लोग इसे चाय के टाइम पे इंजॉय कर सकते हैं जी। तो ये मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह जी। तो ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब इसके अंदर डालेंगे हम, ये मेरे पास है 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये डाल देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच हैं सूखा दूध, तो ये डाल लेते हैं, 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे है मेरे पास मिल्क, थोड़ा थोड़ा वो डालेंगे। इसे हमने एक डो की तरह बनाना है, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा नरम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इस तरह का डो हमने रेडी किया है, और अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें, और इस तरह का आपने रखना है ये देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसे बेलेंगे तो इसके अंदर शुगर है जिसकी वजह से ये टूट जाएगा जी। तो इस चम्मच से इसके पीसेस कर देते हैं इतने इतने, क्योंकि हमने इसके मिनी बिस्किट रेडी करने हैं, तो ज़्यादा बड़े नहीं, इस तरह सारे कर लेंगे जी। तो ये मैंने कट कर लिए जी। तो ये उठाया है, इस तरह राउंड किया, देखिए कितना सॉफ्ट है। इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है, इस वजह से ये इस तरह सॉफ्ट बना है। इस तरह के मिनी बिस्किट रेडी कर लेंगे, यानी बाइट स्टाइल के। ये 1 बाइट बिस्किट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इस तरह के मिनी बिस्किट मिल्क कुकीज़ तैयार हो चुके हैं, और अब या तो हम इसे ओवन में बेक कर लेते हैं, नहीं तो वही है कि आप पतीला रखें उसके अंदर रखें 20 मिनट, 18 से 20 मिनट में इसको बेक कर लें, और या फिर ओवन है तो ओवन में रख लें, सिंपल ओवन में भी बेक हो जाएंगे जी। तो इसको उठाते हैं, ओवन में रखते हैं जी। तो इसको ओवन में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अक्सर पूछते हैं कि इसकी सेटिंग बताई जाए, तो इसकी सेटिंग ये है कि अब इसको हमने ये छोटी मतलब छोटे कुकीज़ हैं तो इनको बेक करना आसान होता है, तो हमने इसको ग्रिल पे भी लगा दिया है और ओवन पे भी लगा दिया है। ग्रिल और ओवन पे हमने इसको तकरीबन 22 मिनट दिए हैं, 22 मिनट में ये बेक हो जाएंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपने इसको स्टोव पे करना है मतलब आग पे बगैर ओवन के, तो आप 18 से 20 मिनट में कर लें, वहाँ जल्दी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इसको आपके सामने हमने 20 से 22 मिनट दिए थे, लेकिन माशाल्लाह से ये 10 मिनट में रेडी हो गया है, और अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखें इसके ऊपर कलर डार्क हो गया है, ये अब ग्रिल भी ऑन थी और ओवन भी ऑन है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये अभी गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इस ओवन में हमने 10 से 12 मिनट ये बेक करने के लिए रखे थे, लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम हुई कि हीट उसने सिर्फ दरमियान में से दी और इसका कलर डार्क हो गया, अदरवाइज़ इनका कलर ठीक है, लेकिन ये मसला हुआ कि ये अंदर से अच्छी तरह बेक नहीं हुए, मतलब इनको क्रंची से होने चाहिए थे लेकिन ये अंदर से सॉफ्ट हैं, और ये कुछ फैल भी ज़्यादा गए हैं, तो इनको मैं एक को उतार के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, अंदर से अभी भी बहुत सॉफ्ट हैं, ऊपर से ये हार्ड हो गए हैं। ये देखें, ऐसे नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल ये कुकीज़ की तरह बनने चाहिए थे। इसके अलावा ये मैं बता दूँ कि अगर आपके पास सिंपल वाला ओवन है उसमें भी ध्यान से रखिए, अगर उसमें भी सही बेक नहीं होते तो आप मेरे वाली गलती मत कीजिए, आप इसको चूल्हे पे बनाने के लिए रख दिए जिस तरह पिज़्ज़ा बेक करते हैं चूल्हे के ऊपर पतीले में रख के। और अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका एक ही हल है कि हम इसको
चूल्हे पे रखें, तवे पे रखें और उसमें अच्छी तरह बेक कर लें, क्योंकि ये देखें एक तरफ से ये अच्छी तरह पक गए हैं जबकि यहाँ से ये सॉफ्ट है। इस तरह हमारी कुकीज़ नहीं होनी चाहिए। इस ओवन में ये प्रॉब्लम है कि इसमें कंप्लीट बेकिंग नहीं होती, ये ग्रिलिंग है। हमें बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने भी बताया था कि जब आप हमने ये ओवन परचेज किया था कि आप लोगों ने गलती की है, तो इसलिए हम इसमें ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने ये कुकीज़ स्टोव पर बनाई हैं हीट दे के, तो बहुत मज़े की बनी है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आपको एक और बात बता दूं कि आप लोग अगर चाहते हैं हमें देख के, क्योंकि बहुत से हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमें देख के चीज़ें परचेज करते हैं, तो ये हायर कंपनी का है लेकिन इसमें बेकिंग प्रॉपरली नहीं होती, इसलिए आप इसको परचेज मत करें अगर आपने बेकिंग करनी है। तो एक और बात बता दूं कि हम जब परचेज करने गए थे तो उन्होंने जो हमें गाइड किया था, जो उनके डीलर होते हैं, तो उन्होंने गलत गाइड किया। आप लोग भी जाएं तो वो आप लोगों को भी मिस गाइड करेंगे कि ये ओवन बेकिंग के लिए है। तो वंस अगेन बता दूं ये बेकिंग के लिए नहीं है, कि ये स्मॉल साइज की कुकीज़ जो है वो भी बेक नहीं कर सकता। तो ये देखें दरमियान में से ये जल गए हैं, बाकी के कलर अगर परफेक्ट आया है ना कुकी वाला, लेकिन ये नीचे से आपको मैं एक और उठा के दिखा देती हूँ, ये इस तरह हो गया है, ये देखें नरम है। तो उसको भी ये भी इतना मज़े का होना चाहिए, इस कलर को भी डार्क होना चाहिए इस तरह का, तो फिर ही ये कुकीज़ अच्छी बनती है। तो आप लोग इस ओवन को लेने की गलती मत करें। हाँ, बेकिंग वाला लें इंशाल्लाह ताला, हम भी बेकिंग करनी है तो बेकिंग वाला ओवन लेंगे जो कम्प्लीट बेकिंग में होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे लेकिन ओवन में ट्राई नहीं करेंगे, अपने स्टोव पे करेंगे, हीट देंगे पतीले के अंदर रख के। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।